जो अकबर के शासनकाल में अकबर और जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद को किला पे लाया गया, और इलाहाबाद का जो अभिलेखन है जो रानी की लेखना के नाम से जानते हैं उसको भी उन्होंने पढ़ा। बहुत सारे जो लघु अः स्तंभ लेखन है जो अशोक ने स्वयं लिखा था, कुछ हुए लिखवाया करते थे, ये सब हिस्ट्री हमारे इंस्क्रिप्शन वही पत्थर पे लिख के दिया जाता था। यही सब इस हिस्ट्री के कारण हम आज आगे पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, अब हमारी जो मेन टॉपिक था ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य एम्पायर के। अब हम चलते हैं प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा हुआ करता था मुगल का, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि मुगल का राजधानी पटना है, पटना जो अभी का जो पटना या मतलब उस समय का पाटलिपुत्र राज था। इसके अतिरिक्त जो शासन व्यवस्था थी जो हमारे चार और रीजनल में बांट दिया गया था, मतलब कि यो जो हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि पूर्वी का भाग को तोसलीन, दक्षिणी भाग को स्वर्णगिरी और इस प्रकार से पश्चिमी भाग को तक्षशिला और उज्जैन, और इसके अतिरिक्त जो और सभी जो रीजन थे उसको इन्होंने छोटे छोटे राज्यों में मतलब कि रीजन में बांट दिया गया था। मेन रूप से इनके चार भाग होते थे। ठीक है, तो ये जो राजकुमार होते थे जो स्थानीय, जैसे कि अभी का जो गवर्नर हुआ करता था, मतलब कि जो हमारा ब्रिटिश एरा में देखेंगे या मुगल एरा में देखेंगे जो छोटे छोटे रीजन को गवर्नर को गवर्न करते थे, वैसे ही हुआ करते थे। जो राजकुमार होते थे वो एक रीजन के गवर्नर के में स्टैब्लिश कर दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। ठीक है, राजकुमारों की मदद से इस प्रांत को चलाया जाता था। उसके बाद मंत्री पर इसकी मदद से ये छोटे छोटे राज्य स्टेट में बांट दिया जाता था, उसके उसको वहां पे राज्य किया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद मंत्री परिषद हुआ करते थे, अमात हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद राज के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि जिलाओं में बांट दिया जाता था, जो प्रत्येक जिला में एक समूह मतलब 25-30 गांव का एक समूह को एक जिला बनाता था। उसके बाद स्वतंत्र गांव रहता था, उसके बाद जिला होते हुआ करता था, फिर उसके बाद राज्य हुआ करता था, उसके बाद देश हुआ करता था। ठीक, तो ये जो जिला के प्रशासन क्या थे, वहां के प्रधान हुआ करते थे, मतलब कि जो जमीन का अलग मापदंड किया करता था, मतलब वहां पर एक वेल मेजरमेंट लैंड लैंड का हुआ करता था। ठीक है, और प्रशासन को छोटे छोटे गांव में बांटा, जिला को छोटे छोटे गांव में बांटा जाता, तो उसी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रधान जिला के मुख्य लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज में देखते हैं कि प्रधान बहुत सारे ब्लॉक को या जो जो पंचायत को प्रधान एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे कि बहुत सारे जगह पे प्रधान हुआ करते हैं, जैसे यूपी में हो गया या हमारे यहाँ बिहार में जैसे कि हुआ करते हैं मुखिया, या बहुत सारे अलग अलग ये पंचायती राज में लोग देख रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक प्रशासनिक पूरी बुक लिखी है, मतलब कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक एक पूरे बुक लिखी है। ये इकोनॉमिक्स बुक के मतलब ये नहीं है कि उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन दिया, उसमें जो मुगल एम्पायर के मौर्य एम्पायर के जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते हैं या जो पूरे पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर रिलेशन ये सब जो सभी बातें लिखा करते थे। ठीक है, यहाँ पे विद्वानों के द्वारा बहुत सारे बात बताया जाते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र जो अन्य नगर हुआ करते थे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का इसी बुक के आधार पर लिखा गया था, मतलब कि उस समय का वो एक प्रकार का कंस्टिट्यूशन कहा जा सकता है कि उसमें सभी बात लिखा जा गया था, उसी को पूरे लोग अपनाते थे और उसी के आधार पर आगे काम करते थे। ठीक है, तो ये तो गया। फिर रूरल का हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे पाटलिपुत्र एक नगर हुआ करता था तो वहां पे एक नगर परिषद हुआ करता था हुआ करता जिसमें क्या कुल 30 मेंबर होते थे, कुल 30 मेंबर होते थे और पांच पांच मेंबर का एक कमेटी हुआ करता था, सदस्य मतलब 6 कमेटी हुआ करता था और पांच पांच मेंबर हुआ करते, कुल कितने 30 मेंबर होते थे और 6 कमेटी हुआ करता था। ये कमेटी का फिर हम लोग आगे देखेंगे कमेटी क्या होता था,
और ये कमेटी कैसे काम करता था, ये जो समिति कैसे काम करता था, सब समिति का अलग अलग काम हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्री का अलग, कला आर्ट, आर्ट का अलग, जो आर्ट जैसे इंडस्ट्री उद्योग या कला मत जो कला, ये सब के बारे में संबंध में एक कमेटी हुआ करता था, जैसे इनका काम वेतन आधारित ये कमेटी लोग किया करते थे, ये पूरे एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये कमेटी ही चलाते थे। ठीक है, उसके बाद उस समय जो बोला जाता था मुगल एम्पायर एक पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा धनी मनी एम्पायर हुआ करता था, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग विदेश से आते थे, दूसरे देश से आते थे, वो यहाँ व्यापार करने आते थे। उस दूसरी कमेटी यही काम करते थे, कौन लोग आया, कौन लोग गया, कब आया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा करते थे, रिकॉर्ड रखते थे जो इसको पूरा चलाते थे। तीसरा कि अभी क्या हम लोग को अभी क्या जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें तो अभी डेथ रेट और बर्थ रेट एज रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ, जबकि हमारा देश 70 साल की आजादी मिल गई तभी भी बहुत सारे लोगों का अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना होगा और डेथ सर्टिफिकेट नहीं हुआ, लेकिन उस समय हमारा जो एडमिटेशन था वो तीसरी कमेटी ये क्या करते थे, ये जो बच्चा कौन जन्म लिया, कौन मरता है, इसकी पूरा एक पंजी रिकॉर्ड बनाया करते, पंजीकरण किया जाता था, सब लोग वो कमेटी उसको अच्छी तरह से चलाते थे। चौथी कमेटी जो व्यापार जो इकोनॉमिक कॉमर्स इसको वो मेंटेन करके रखते थे, उसको वो चलाते थे, उनको के मतलब कि उनका काम था कि कौन सा सामान एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, कौन सा सामान हमारे पाटलिपुत्र में आता है, इसको पूरा वो रिकॉर्ड करके रखते थे। पांचवी कमेटी जो विनिर्माण और जो मतलब कि विनिर्माण मतलब कि जो कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ डैम बन रहा है, कुछ फोर्ट या महल बन रहा है, उसको ये देखा करते। और छठी कमेटी क्या होती थी, वो टैक्स कलेक्शन की काम करते थे, मतलब कि बिना टैक्स के तो कोई भी राज नहीं चल सकता, तो वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं नगर परिषद में। नगर परिषद का काम क्या होता था, वो जन कल्याण के लिए काम करता था, भिन्न भिन्न अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जैसे कि सड़क, बाजार, हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था, इसके बाद वो जल आपूर्ति, फिर पोर्ट बंदरगाह का मरम्मत, ये रख रखाव, सामान का रख रखाव, ये सब की काम ये हमारी जो नगर परिषद हुआ करते थे ये किया करते थे। ठीक है, इसके जो नगर के प्रमुख होते थे वो अधिकारी को हम नगर कहते थे। ये जो हमारे जो कौटिल्या या चाणक्य का जो एडमिटर नगर परिषद का एक ये प्रमुख टूल हुआ करते, मतलब प्रमुख आदमी हुआ करता जो नगर को पूरा चलाता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी लेख, लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, रत विभाग, सीमा शुल्क विभाग या कर विभाग, ये सब तो होते थे इसमें, वो वेल रिकॉर्ड होते थे, इससे कहाँ से टैक्स आया, फिर कहाँ गया, फिर कितना रत बनता है, कितना खनिज मिलता है, उस समय का जो रिसोर्सेस हुआ करते थे उसके, फिर जो हमारा जो टेरिटरी सीमा है उसको वो बताते थे कि कैसा कैसा सीमा है, वो पूरी ऑन द रिकॉर्ड हुआ करता था। ठीक है, मुगल के समय की बात बताया कि हमारे ये भारत को अब मुगल एक ऐसा टेरिटरी किंगडम हुआ जो पूरे हमारे इंडिया को वेल क्वालिफाइड जिसको अखंड भारत कह सकते हैं वो लगभग पूरा कर दिया। इनका जो गुप्तचर विभाग था, मतलब कि ये स्पाइस इनका बहुत अच्छा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पाइस सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि उनकी तीसरी आंख क्या है, स्पाइस है, मतलब वो गुप्तचर लोग है, गुप्तचर लोग पूरे जगह पे होते थे, वो कुछ गुप्तचर होते थे जो सिर्फ प्रोफेशनल होते थे, वो सिर्फ गुप्तचर का काम करते थे, स्पाइस का काम था, लेकिन कुछ हाइडिंग गुप्तचर स्पाइस करते, जैसे कि कोई चाय बेचने वाला, मतलब उस समय जो सब्जी बेचने वाला था वो काम करता था सब्जी का, लेकिन वो हाइडिंग स्पाइस हुआ करता था जो चाणक्य से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता था, जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे देखा जाता है, जैसे कि कोई शराब बेचता, मदिरा बेचता था, उस समय उस वो स्पाइस हुआ करता था जो अच्छी तरह से हमारे मुगल राजाओं को अच्छी तरह से जानकारियां देते थे और जिससे आराम से वो लोग राज करते थे।
भारत में सर्वप्रथम जो हमारे मुगल वंश के ही थे जो राष्ट्रीय एकता में बांधे, मतलब इससे पहले हमारा जो इंडिया था वो एकता में नहीं था, वो जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जैसे कि घनानंद के समय भी देखें बहुत सारे छोटे 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 राज्य में बटा हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग था। लेकिन पहली बार चाणक्य की मदद से ही चाणक्य का जो सपना था अखंड भारत का वो पूरा होता है, ये हमारे मौर्य के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका एडमिटेशन सिस्टम हुआ करता था वो वेल क्वालिफाइड हुआ करता था, और ये राजा पे भी क्या करते थे, यहाँ पे राजा स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या किया था, चाणक्य एक पूरा लिस्ट बनाया था, मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही बनाया था, जो क्या राजा करेगा क्या राजा नहीं करेगा, क्या कैसे कर्ज लिया जाएगा, कितना कर्ज लिया जाएगा, कितना कर्ज नहीं लिया जाएगा, कौन सी जमीन पर लिया जाएगा, एक पूरा लिस्ट हुआ करता था। वो एक उस समय का एक कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं वो बना हुआ था, उसी के अधीन रखे राजा काम करता था। ठीक है, यहाँ पर कि नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे क्या कि जो राजा बोल दिया वही होता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे जो राजा उसके अधीन, मतलब चाणक्य के, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एक बुक लिखे तो उसके अधीन ही ये काम करते थे। ठीक है, जो ऐसे कि राजा का कितना टाइम राजपाट में जाएगा, कितना टाइम पर्सनल में जाएगा, कितना वो फैमिली के साथ देगा, ये पूरा टाइम को वो पार्ट दिए थे जो इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडमिटेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो विदेश निधि या जो एक रीजनल पावर, ये सब के बारे में वो बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका संचालन होता है, जैसे राजा अमात मतलब मिनिस्टर हुआ करता था जनपद और दुर्ग कोष और सेना मित्र, ये सब के बारे में भी वो पूरा वेल डिफाइंड किए थे कि वो कैसे करते। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब आर्थिक